हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। सो फाइनली आज मेरा फोर्थ डे है ब्लॉग का, तो मैं उठ गई हूँ और उठ के मैं अपना डेली रूटीन जो है चाय बनाना, सुबह उठना, नॉर्मल जो सुबह डेली का काम होता है मैं कर ली हूँ फाइनली। तो जैसे कि मैंने बताया था आप सबको कल कि कॉलेज से मुझे एडमिशन स्लिप मांगा गया था, तो फाइनली मुझे पता चल गया है एडमिशन स्लिप क्यों मांगी गई है। तो चलिए मैं कॉलेज आने के लिए जब रेडी हो जाऊँगी तब आप सबसे मिल। तो फाइनली मैं कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी हूँ और ये देखिए मेरा फाइनल लुक है आज का। और ये देखिए हमारा कॉलेज का मंगलसूत्र है गाइस, जो इसके बिना हमारे कॉलेज में इंटरव्यू नहीं होती है। तो चलिए मैं मिलती हूँ कॉलेज के। सो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली कॉलेज में निकल चुके हैं और ये देखिए मेरा प्राइवेट वाहन है जिसे मैं जाती हूँ। क्या ही बोले, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कॉलेज रांची का कुछ ट्रैफिक का हाल। ये देखिए फ्रेंड्स, रांची का कुछ जाम। ये देखिए मेरा ससुराल है, मैं ससुराल पधार गई हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारे सास ससुर कैसे हमें स्वागत करते हैं। मतलब कि क्या फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारे बिना ड्रेस के एंट्री नहीं देगा तो ड्रेस पहने। तो वो देखिए मेरा एंट्रेंस था और ये हमारा कॉलेज कुछ ऐसा है। सो आप देख सकते हैं कॉलेज में आते आते झोल हो गया गाइस। आते आते कॉलेज गार्ड बोलता है ड्रेसों पहनिएगा, पहन के आइएगा तबे ना कॉलेज में घुसने देंगे। अब उन्हें हम कैसे बताएं कि छुट्टी में कैसे काहे को ड्रेस पहन के आएंगे हम लोग। मंगलसूत्र लटकाने के बाद भी बोलते हैं ड्रेसों पहन के आइएगा तभी ना। चले तो आपको जब मैं कॉलेज गेट से बाहर निकलने लगूंगी तो अपने गार्ड वाले भैया से मिलाती हूँ आपको। तो भाई साहब, अभी कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा है जिस कारण से कॉलेज में अभी अब स्टूडेंट लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे के सारे क्लासरूम में होंगे अभी। मेरे फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एडमिशन रिसिप्ट निकलवा लिया है क्योंकि इसके बिना मुझे लाइब्रेरी कार्ड नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कब हमें लाइब्रेरी कार्ड मिले हैं, जो मेरा वेट कर रही हैं। कॉलेज का लाइब्रेरी है तो चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर, देखते हैं क्या होता है। बहुत दुख हो रहा है, क्या ही मैं बोलूँ, बहुत शर्म भी आ रहा है। इतना सुंदर सा मेकअप करके आए, ये आई कार्ड लटका के आए, लाइब्रेरी वाले ने क्या बोल दिया नहीं मिलेगा। अगले पॉपर्ट हो गया गाइस, क्योंकि जो लेने आई थी वो तो मिला नहीं। तो चलते हैं कुछ बाहर, कोई नहीं घूम फिर लेते हैं। कुछ ऐसे मिल रहे हैं, देखिए मेले में बिछड़ गए थे इन लोग, अचानक से रोड के किनारे बड़े बड़े होके मिले हैं। ये देखिए इन लोग को चेहरे पे पूछी का डाली हो ना। एक मेरी फ्रेंड है जो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर रही है, ये देखिए। तो प्लीज़ आप लोग भी जल्दी जल्दी से मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरे कॉलेज के पास ये बड़ा तालाब है, तो जिस किसी को भी बड़ा तालाब देखना है मेरे कॉलेज के पास आ जाइए। क्या करो, लाइब्रेरी कार्ड मिला तो नहीं, ना इशू हुआ तो सोचे चलो बड़ा तालाब भी घूम लेते हैं सही। और ये देखिए मेरे दोनों दोस्त हैं जो आपस में गॉसिप कर, खुद चलाने नहीं आ रहा, खुद तो चलाने नहीं आ रहा इनको, हम ही लोग को कहते हैं। पूरे रास्ते में इनको दादी लोग नहीं देखी, हम ही लोग देखते हैं, बताइए ऐसा होता है। टोटो में बैठ गई है और ये देखिए मेरे दोस्त लोग जा रही हैं। टुक टुक निकल पड़ा है और ये देखिए मैं फिलहाल फिरायालाल पहुँच चुकी हूँ। पिछले ब्लॉग में बने रहिए। से आते आते मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गया तो मैं केक शॉप में उतर गई हूँ और ये रहा मेरा कोल्ड ड्रिंक। तो जिनको जिनको भी कोल्ड ड्रिंक पीना है भाई,
कुकर वाले रास्ते में आ जाए, मैं रोड के किनारे ही मिल जाऊंगी। सो फाइनली कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते पीते मैं रूम आ गई कॉलेज से। तो गाइस क्या ही बोलूँ, आज तो कॉलेज में पोपट ही हो गया हमारे साथ। एक्चुअली कॉलेज में हमारे लिए, कॉलेज में इसलिए हमें बुलाया गया था क्योंकि लाइब्रेरी कार्ड इशू करना था, जिसके लिए हमें एडमिशन रिसिप्ट दिखाना था कॉलेज में, इसलिए रिसिप्ट की डिमांड की गई थी। बट जैसा कि लाइब्रेरी में गए और हमारे जो भी लाइब्रेरी की जो हमारे टीचर है उनसे ये पता चला कि लाइब्रेरी से हमें वो जो कार्ड है वो इशू नहीं किया जाएगा ड्यू टू जो क्या बोलते हैं, एक लिस्ट होता है जिसमें हमारे पास लिस्ट आता है शायद कॉलेज के साइड से ही निकाला जाता है, उसमें नाम इशू किया जाता है कि किन स्टूडेंट को मिलेगा। तो अभी किसी भी मतलब वैसा कुछ लिस्ट अभी निकला नहीं है, तो जैसे ही हमारे पास वो कॉलेज से नोटिफिकेशन या फिर कोई नोटिस आता है, नोटिस आने से पहले मिल जाएगा ऑफिशियल ग्रुप में, देन हमें जाके वो क्या बोलते हैं आईडी कार्ड मिलेगा लाइब्रेरी का। तो 20 रुपये आज का गाइस बर्बाद। अब कॉलेज वालों को कैसे समझाऊं कि स्टूडेंट लाइफ में भाई 20 रुपये भी मैटर करता है। क्या सोची थी और क्या हो गया। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था कॉलेज जाने के बाद और मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और फाइनली अभी शाम के 6 बज गए हैं, तो बहुत जोर का भूख लगा है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो सोच रही हूँ मटर पुलाव बना देती हूँ, मटर पुलाव कैसे बनते हैं तो चलिए मैं दिखाती हूँ। सो फाइनली मेरा मटर पुलाव बन गया, तो मैं आप सबको मटर पुलाव बनाते हुए दिखाना चाहती थी बट क्या ही करूँ, लाइट कट गया तो मैं नहीं दिखा पाई। सो फाइनली मेरा रेडी हो गया, तो मैं मटर पुलाव लेके बैठ चुकी हूँ खाने के लिए। एक्चुअली ये मेरा रात का ये डिनर है, तो ये देखिए मैंने लगा लिया थाली में, तो चलिए मिलते हैं खाने के। मैंने डिनर कर लिया है, तो मेरी दोस्त का कोई सामान मेरे रूम में पड़ा हुआ था तो वो नीचे आई है, बाहर आई है, तो मैं चलिए उसे थोड़ा मिल भी लेती हूँ, थोड़ा घूम भी लेती हूँ और सामान भी देकर आती हूँ। मैंने अपने फ्रेंड को कॉफ़ी दे दिया और कॉफ़ी देने के बाद तो मेरी फ्रेंड जा रही है, तो मैं उसे क्या अंगड़े में नहीं ला सकती हूँ, कुछ इशू है, तो चलिए मैं लाटा वगैरह करके दिखा। फ्रेंड्स वो देखिए मेरी फ्रेंड स्कूटी में बैठ रही है, अब वो स्कूटी अब स्टार्ट करेगी। फाइनली हम दोनों ने साथ में चाय वगैरह पिया क्योंकि मैं देखिए मैंने चाय टपरी पे आई, क्योंकि वो चाय टपरी में आई थी चाय पीने, तो बोली तुम मेरा सामान लेते आओ और मैंने उसे सामान भी दे दिया और वो जाने लगी। तो चलिए अब मैं चाय वो पीती हूँ और रूम जाऊँगी और रूम जाने के बाद आपसे से मिलती हूँ। फ्रेंड्स मैं घूम फिर कर अपने दोस्त का सामान देकर मैं रूम में आ गई हूँ। और तो आज आपने देखा ही आज मेरे साथ कॉलेज में क्या हुआ, कॉलेज में गई बट कॉलेज में जाने के बाद ही पोपट हो गया हम लोग का, लाइब्रेरी कार्ड इशू नहीं हुआ। सो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आज का ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।